लॉकिंग डिवाइसेस इन द सेंस कि फिटर के टर्म में, फिटर के टर्म में हम किसी डिवाइस का मतलब युक्ति तो लॉक करने के लिए, लॉक करने का मतलब किसी भी असेंबली के किसी भी पार्ट को किसी जगह पर फिक्स करने के लिए। फिक्स करने का और भी तरीके हो सकते हैं कि वेल्डिंग कर दिया गया या जो है कोई और भी तरीका है, लेकिन लॉकिंग का मतलब कि जहां पर हमको उसको खोलने की भी जरूरत पड़े, जहां पर हम उसको चाहें कि वो जो है जब हम उसको चाहें खोल के निकाल लें, और जब और बाकी समय हम चाहें जैसे मशीन चल रही है तो वो जो है उसी जगह पर लॉक रहे, मशीन के वाइब्रेशन वगैरह के कारण से वो लूज ना हो। तो उसके लिए जो जो हम डिवाइसेज यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं लॉकिंग डिवाइसेज। लॉकिंग डिवाइसेज जो है जो फिटर में जनरली यूज होती है वो दो टाइप की हैं। एक तो है लॉकिंग डिवाइसेज फॉर नट, नट और बोल्ट को लॉक करने के लिए, नट एंड बोल्ट को लॉक करने के लिए जो जो डिवाइस यूज की जाती है। नट एंड बोल्ट का लॉक करने का मतलब यह है कि जब हम नट और बोल्ट से असेंबली मतलब कोई किसी असेंबली को जोड़ते हैं, दो पार्ट को जोड़ते हैं नट और बोल्ट के द्वारा, तो लॉक करने का मतलब यह है कि वो मशीन के वाइब्रेशन के कारण या किसी भी और या मशीन का कोई पार्ट चल रहा है उसे मशीन में जो वाइब्रेशन हो रहा है या और किसी कारण से वो नट और बोल्ट आपस में टाइट रहे, मतलब आपस में जुड़े रहे। अदरवाइज क्या होगा कि अगर टाइट नहीं होंगे तो धीरे धीरे जो है वो नट घूम जाएगा और बोल्ट अलग हो जाएगा, नट अलग हो जाएगा और हमारी असेंबली जो है वो सारी जो है असेंबली खुल जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या है कि चलती हुई मशीन में वाइब्रेशन वगैरह के कारण जो है हमारी कोई असेंबली खुले ना तो जब नट और बोल्ट की, तो वहां पर जो यूज करते हैं हम नट और बोल्ट को, नट और बोल्ट की असेंबली को लॉक करने के लिए जो डिवाइस यूज करेंगे वो लॉकिंग डिवाइस फॉर नट है। इसी तरह से सॉफ्ट जो अपने पावर ट्रांसमिशन की सॉफ्ट होती है उसके ऊपर हब लगा होता है। हब का मतलब हब में पुली भी हो सकती है, गियर भी हो सकता है और भी कुछ हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में जैसे पावर ट्रांसमिशन के केस में क्या होगा कि जब तक पुली और सॉफ्ट दोनों एक दूसरे पर फिक्स नहीं होंगे तब तक जो है फुल पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो उस केस में भी हमको चाहिए कि जो हमारी पुली है वो सॉफ्ट के ऊपर फिक्स रहे। तो वहां पर जो है सॉफ्ट को पुली पर भी लॉक करने के लिए हमको डिवाइस यूज करते हैं जैसे कि की वगैरह है। तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नट, क्योंकि नट को, नट और बोल्ट को लॉक करने के लिए जो डिवाइस होगी, डिवाइसेज जो होंगे, तो सबसे पहले हमें जो ये पता होना चाहिए कि हमें जो है लॉक किसको करना है। तो सबसे पहले है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट, नट्स नट जो है कितने टाइप के जो है नट होते हैं। तो नट रिक्वायरमेंट ऑफ असेंबली जो नट कई तरह के होते हैं, लेकिन हर नट हर जगह आप यूज नहीं करोगे, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, असेंबली की रिक्वायरमेंट क्या है, जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है कहीं कहीं पर कोई भी नट या यूज कर लोगे तो वो काम नहीं करेगा, काम करेगा लेकिन जो पूरा पर्पज है वो पर्पज सॉल्व नहीं होगा। तो असेंबली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको नट का, नट को चूज करना है। तो जो डिफरेंट टाइप के नट होते हैं, एक तो सबसे कॉमन वाला नट है, आपने देखा होगा कि हेक्सागोनल नट जो है स्ट्रक्चरल और मशीन टूल बिल्डिंग में, जो केवल स्ट्रक्चरल वर्क में और मशीन टूल बिल्डिंग में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। सॉरी अभी एक मिनट। तो जो हेक्सागोनल नट है मशीन टूल्स में मतलब मशीनों वगैरह में और स्ट्रक्चरल वर्क में ज्यादातर जो है यूज होता है और ज्यादातर हमें ये अलग अलग थिकनेस में जो है में अवेलेबल होता है। इसका इसमें हेक्सागोनल नट इसलिए क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें छह फेस हमको मिल जाते हैं, एक
एक इसके पीछे एक और एक एक इसके पीछे एक और एक इसके पीछे एक, मतलब इस तरह से कुल तीन जो है फेस आपको जो है मिल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है ये नट जो है यूज किया जाता है। इसके साथ ये जब इसके साथ एक और नट नट लगा देते हैं इससे थोड़ा सा कम थिकनेस का, तो फिर वो लॉक नट कहलाता है। तो वो जो है फिर लॉकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर केवल सिंगल ये नट लगा हुआ है तो ये वाइब्रेशन के कारण जो है घूम करके जब मशीन जब ये फिर मशीन जो है में जब वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन के कारण जो है वो खुल जाएगा। इसके बाद दूसरा इसी में फिर एक एक नट का टाइप और है जो है स्क्वायर नट। स्क्वायर नट शेप में जो स्क्वायर होता है वो जनरली क्या है कि इन कोचेस बिल्डिंग और कोच वगैरह बनाने के लिए या रफ कार्य में है वहीं पर जो इसका इस्तेमाल होता है। इसका फायदा क्या है, इन दोनों दोनों में डिफरेंस क्या है, ये स्क्वायर नट और हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट को खोलने के लिए आपको घुमाने के लिए कम स्पेस चाहिए, मतलब कि अगर पूरा भी नहीं घूमता है तब भी जो है, क्योंकि आपको यहाँ पर स्पिनर लगाने के लिए तीन स्पेस मिलेगा, तीन जगह पे आप स्पिनर, एक ये उसके सामने वाले फेस पर, इसके सामने और इसके सामने वाले फेस पर, इसके सामने और इसके सामने वाले फेस पर, तो कुल आपको तीन पोजिशन जो है स्पिनर लगाने के लिए मिलती है। तो अगर जहाँ कहीं पर स्पिनर घुमाने के लिए कम स्पेस है वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका जो जो आपका स्क्वायर नट है वो स्क्वायर नट जो है, हेलो हाँ बोलिए क्या कह रहे हैं, हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है। और जो स्क्वायर नट है इसके इस नट के केस में क्या होता है कि आपको दो ही पोजीशन जो है स्पिनर लगाने के लिए मिलती है। तो या तो अगर या अगर दो अगर इधर से मिलेगी या इधर से मिलेगी, तो इसमें तो इसको नट को खोलने के लिए आपको ज्यादा घुमाने के, मतलब स्पेस आपको ज्यादा चाहिए बोल्ट को सॉरी नट को घुमाने के लिए। तो इसीलिए ज्यादातर कोच बिल्डिंग का मतलब ये कि जहाँ पर आपको जिस साइड जहाँ पर नट लग रहा है तो वहाँ पर आपको काफी ज्यादा सारा स्पेस है स्पिनर लगा के घुमाने के लिए, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर मशीन वगैरह की असेंबली है तो जहाँ पर स्पेस कम है तो वहाँ के वहाँ पर जो है हेक्सागोनल नट ही ज़्यादा सुटेबल होता है। दूसरे टाइप का एक नट आता है सेल्फ लॉकिंग नट, जिसको साइमन नट भी बोलते हैं। इसमें आगे एक डोम सा बना रहता है, इसमें अंदर एक ग्रूव होता है। ग्रूव में क्या होती है, एक नायलॉन की रिंग लगी होती है, नायलॉन का एक इसमें जो है इंसर्ट लगा होता है। वो इंसर्ट क्या काम करता है कि वो थ्रेड के साथ जो है वो थ्रेड के साथ अपना जो है टाइट रहता है। तो वो वाइब्रेशन वगैरह कारण वाइब्रेशन के कारण जो है ये, क्योंकि ये नायलॉन का होता है ये थ्रेड के ऊपर जो है चिपका रहता है, तो वाइब्रेशन वगैरह के कारण जो है वो नट को घूमने नहीं देता है। तो ये भी हेक्सागोनल जो है हेक्सागोनल टाइप का है। तो ये क्या करेगा, जहाँ पर वाइब्रेशन वगैरह होती है वहाँ पर इसको घूमने जो है वो बोल्ट को नट को घूम करके लूज नहीं होने देगा। क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो रिंग लगी हुई है जो इन साइड में इसमें रिंग लगी हुई नायलॉन की, वो बोल्ट के साथ मिलकर के फ्रिक्शन को बढ़ा देता है, जिसके कारण की बोल्ट जो है वाइब्रेशन के कारण जो है आसानी से खुलता नहीं है। एक और टाइप का नट होता है टी नट। टी नट टी शेप का होता है, जो कि जो है आपका मशीन टूल के मशीन टूल के बेड वगैरह में किसी को भी फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, तो टी टाइप का नट होता है। तो स्लॉट आपने देखा होगा कि मशीन की टेबल में टी स्लॉट बने होते हैं, तो उन टी स्लॉटों में जो है उन टी स्लॉटों में इनको जो है डाल करके हम उन 29 स्लॉट में जो है इसको डाल करके ऊपर से बोल्ट ऊपर से नट या स्टड के द्वारा जो है इनको लगा करके टाइट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा एक टाइप का और है स्लॉटेड और कैसल नट। स्लॉटेड और कैसल जो है कैसल नट, इनमें जो नट है
इसमें स्लॉट बना होता है। ये दो टाइप के हैं, या तो जो स्लॉटेड नट है इसमें जो हेक्सागोनल, जो हेक्सागोनल शेप इसका बना हुआ है इसी में ही स्लॉट कटे रहते हैं। बट लेकिन कैसल नट में क्या होता है कि ये जो हेक्सागोनल शेप है इसके ऊपर एक और सिलेंड्रिकल शेप बना होता है और उसमें जो है स्लॉट कटे रहते हैं आमने सामने सा। तो इसका यूज क्या करते हैं, लॉकिंग के समय जो है इसमें पिन डालने के लिए, पिन डाल करके लॉक करने के लिए जो है इसको, इसका जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों जो है स्लॉट नट कैसल नट दोनों बेसिकली एक ही टाइप के हैं, लेकिन दोनों में सिर्फ बनावट में अंतर क्या है कि ये जो स्लॉट नट है उसमें जो है नट में ही स्लॉट को काट दिया गया है, बट जो कैसल नट है, कैसल नट में जो है में जो है ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप बना हुआ है, उस सिलेंड्रिकल शेप में जो है वो स्लॉट कटे हुए हैं। तो अभी तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें और इसमें अंतर क्या है, दोनों जो है एक ही टाइप के हैं लेकिन अंतर थोड़ा सा इसमें है क्योंकि इसमें जो पूरी थ्रेड का हिस्सा है, जो पूरा थ्रेड जहाँ तक बना हुआ है वो उसमें कोई स्लॉट नहीं बना हुआ, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी इसके कंपेरिजन, मतलब स्लॉटेड नट के कंपेरिजन। क्यों? क्योंकि इसमें जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्लॉट बना हुआ है तो टोटल नट की स्ट्रेंथ जो है केवल इसी पर जो है निर्भर। तो जहाँ ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइट करना है, ज़्यादा टॉर्क है या ज़्यादा लोड है तो वहाँ पर इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर केवल जहाँ पर लोड कम है तो वहाँ पर स्लॉटेड नट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक टाइप का और नट होता है बिंग नट, जो आपने, जो आप सभी लोगों ने जनरली देखा होगा, जो आपका जैसे इसका यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर की फ्रिक्वेंट रिमूवल एंड फिक्सिंग, जहाँ पर की बार बार जो है लगाना और निकालना, जैसे कि हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड में जो है जो आप जब तक काम करोगे तब तक ठीक, इसके बाद जो है फिर इसको खोल कर निकालना पड़ेगा, तो उस जगह पर ये विंग नट लगा हुआ है जिसको कि आप हाथ से खोल करके इसको खोल लोगे तो आप ब्लेड को चेंज कर सकते हो। और फिर चूँकि इसमें जो विंग लगे हुए हैं इन विंग से पकड़ करके आप जो है जितना चाहो उतना उसको टाइट कर सकते हो, मतलब जो आपका हाथ से भी टाइट करने के लिए इन बोल्टों को, जैसे हेक्सागोनल बोल्ट है आप उसको हाथ से पकड़ के ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टाइट करने के लिए आपको स्पैनर वगैरह ही की आवश्यकता होगी। लेकिन जो विंग नट है, विंग नट में ये दो जो विंग बने हुए हैं इनको पकड़ के आप जो है नट को जो है आप टाइट कर सकते हो। तो इनकी जरूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पर कि बार बार खोलना और बार बार फिक्स करने की आवश्यकता होती है। तो ये दो टाइप का होता है, फोर्स फोर्ड और कोल्ड फोर्स। तो फोर्स का मतलब हो गया कि कास्टिंग के द्वारा बना हुआ, और दूसरा जो है कोल्ड फोर्जी, मतलब लाल करके फोर्ज करके जो है वो शेप बनाया गया है। जनरली नट बाकी जो नट तो जैसे थ्रेड होगा बस केवल इसमें स्पैनर लगाने के लिए इसकी जगह नहीं होगी, इसमें दो विंग बने होंगे, आप इसको विंग से पकड़ के जो है आप इसको खोल और बंद करते हो। ज़्यादातर आप इसको हेक्सा फ्रेम में हमेशा देखते हैं, हेक्सा फ्रेम में आपने देख रख। दूसरा है, एक है नल, एक और टाइप का नट है नल नट जिसके ऊपर की नलिंग बनी हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जहां पर नल नट लगा हो इसका मतलब कि आप उसको हाथ से ही टाइट करेंगे और हाथ से ही खोलना है, वहां पर कि और कोई तरीका इस्तेमाल ना करने की, जैसे कभी देखते हैं क्लास वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो नल नट वहीं लगा होता है जहां पर कि कितना केवल टाइटनिंग इतनी इनफ हो, मतलब इतना ही टाइट करना हो कि केवल फिंगर टाइटनिंग इज इनफ, केवल जो है जहां पर कि उंगलियों से ही टाइटनिंग की आवश्यकता है वहां पर इस तरह के नट जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। सर अभी सर क्लास चल रही है, अभी 2-3 बजे तक जो है, ठीक है ठीक है। तो
नल नट जो है, नल जहां पर नट लगा हो, जहां पर नल नट लगा होगा, उसका मतलब कि वहां उसको केवल जो है आपको हाथ से ही पकड़ करके, हाथ से ही केवल टाइट करने की आवश्यकता है, और किसी तरीके से उसको टाइट नहीं करना। अगर आप उसको टाइट करोगे, क्योंकि आप देखोगे नल नट ज्यादातर कहाँ लगे होते हैं, नल नट ज्यादातर लगे होते हैं जो हमारे मेजिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं, जिनमें छोटे छोटे नट लगे होते हैं, जहां पर कि हाथ से ही टाइट करना, जैसे वर्नियर कैलिपर है, वो उसको उसमें जबड़े को मूव करने के लिए, या अपना जो है वहां पर वो स्क्रू गेज में घुमाने के लिए। तो वो ये केवल वहीं पर कि जहां पर कि इसका मतलब होता है कि केवल आपको हाथ से ही केवल इतना टाइट करना है जितना कि हाथ से ताकत है। इसके बाद इसी में एक टाइप का नट और है जो कि कहलाता है कैप नट। कैप नट में क्या है कि आगे से ये नट जो है बंद होता है, आगे एक डोम बना रहता है, आगे से ये नट बंद होता है। तो ये इसका फायदा क्या है कि जहां पर ये टाइट हो रहा है उसकी स्टार्टिंग की, जैसे जो स्पिंडल है उसकी स्टार्टिंग की थ्रेड को खराब होने से रोकने के लिए, दूसरा जो है देखने में जो है वो सुंदर लगता है, तीसरा जो है डेकोरेटिव होता है, और तीसरा कि पानी वगैरह जो है इसके अंदर ना जाने पाए, जिससे कि ये इसके अंदर जंग वगैरह ना लगे। तो आगे से डोम टाइप का होता है, डोम होगा मतलब आगे से बंद होगा, लेकिन इसमें लिमिटेशन एक यही है कि ज्यादा अगर बोल्ट जो है ज्यादा लंबा, या स्टड जो है जिसमें इसको टाइट किया जा रहा है ज्यादा लंबा होगा तो यहाँ पर आके टकराएगा, तो उसमें केवल जो है जो मतलब ज्यादा स्पेस नहीं होता है, ज्यादा लंबा जो है बोल्ट इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब जो बोल्ट होगा वो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, केवल जो है 60 बोल्ट ही, मतलब ज्यादा बाहर नहीं निकला, अदरवाइज वो यहाँ पर जाकर के टकरा जाएगा। तो इस तरह का ये नट जो है कैप नट कहलाता है, आगे से बंद। एक इसी में एक टाइप का नट और है, हेक्सागोनल नट विथ कॉलर। तो ये नट जो है इसमें जो है मशीन कॉलर होता है, इसमें एक साइड में ऑलरेडी कॉलर बना रहता है, मतलब एक साइड में चौड़ा जो है फेस बना रहता है। ये क्या करता है, ये एडिशनल बेयरिंग सरफेस असेंबली, जो जब जब जैसे जो आपने नट, जैसे मान लीजिए इस नट को टाइट किया, तो कितना ये जो जो फ्रिक्शन लगाएगा जो टाइट करेगा वो केवल जो है अपने नट की एरिया के बराबर, लेकिन चूंकि इसमें नीचे की तरफ से कलर भी बना होता है तो अपने टाइटनिंग की एरिया को जो है वो बढ़ा देता है, जिससे कि जो प्रेशर है वो जो है और ज्यादा एरिया में फैल जाता है। और दूसरा ये वॉशर का भी काम करता है, तो जो चूंकि इसमें आगे नीचे एक कलर लगा हुआ तो इसमें वॉशर भी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसका भी केवल इसका यूज कहाँ करेंगे, जहाँ पर कि हमें बार बार खोलना और बार बार जो है टाइट करने की आवश्यकता होती है, बार बार खोलना बार बार टाइट, यहाँ भी बार बार खोलना बार बार टाइट करना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हाथ से, बट यहाँ पर क्या है कि स्पैनर से, तो स्पैनर से जो है अगर बार बार खोलना है और बार बार टाइट करना है तो वहां पर बेटर होगा कि हेक्सागोनल नट जो है कॉलर के साथ लगा, क्योंकि इसमें फिर अलग से आपको कॉलर देने की आवश्यकता नहीं होती है, कॉलर जो सॉरी वॉशर देने की आवश्यकता नहीं होती है, और जो कॉलर बना हुआ ये वॉशर का भी काम करता है, और जो पढ़ने वाले जो फोर्स है वो एरिया है उसको और ज्यादा में फैला देता है। एक नट आपका है आपका हेक्सागोनल वेल नट। हेक्सागोनल शेप इसका हेक्सागोनल है, वेल नट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि वेल्ड किया जाता है। इसका यूज कहाँ होता है, प्लेट वर्क के साथ, जैसे सीट का कोई सीट की कोई असेंबली है, कोई बॉडी बनी हुई है, उसमें कोई बोल्ट वगैरह टाइट होना है, ज्यादातर तो सीट में क्या करते हैं इस नट को जो है वेल्ड कर देते हैं, और फिर जो दूसरे उसके ऊपर कंपोनेंट है वो बोल्ट के द्वारा उसको टाइट कर देते हैं। तो ये इसमें क्या है, इसमें एक अंदर से
एक स्पाइगेट रिंग है, ये जो एक अंदर ये रिंग है, ये रिंग क्या है जिसमें इसको बेल्ट करना है, जिस पेट के ऊपर बेल्ट करना है उसके होल में जा करके ये फिट हो जाता है। और इसके बाद तीन इसमें जो है प्रोजेक्शन लगे हुए हैं, ये प्रोजेक्शन जो है वो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बिल्डिंग के द्वारा जो है, जब इसको नट को सीट के ऊपर रख करके रेजिस्टर बेल्डिंग के द्वारा जो है बेल्ट कर दिया जाता है। जब रेजिस्टर बेल्डिंग होती है तो ये तीनों लग जो है पिघल जाते हैं, पिघल करके जो है वो सीट के ऊपर जो है जिस सीट के ऊपर इसको रख करके बेल्ट किया गया उसमें जो है वो बेल्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि बॉडी के ऊपर मतलब जहाँ पर इसको लगा दिया गया है वहाँ पर आप जो है बोल्ट के द्वारा है कोई भी असेंबली जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको फिर आपको पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑलरेडी बेल्ट है, ये घूमेगा नहीं। तो ज़्यादातर ऑटोमोबाइल वगैरह में, ऑटोमोबाइल के बाडियों में, फ्रेम में ये इस तरह का जो है नट जो है बहुत काफ़ी इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि ये फ्रेम या बॉडी के ऊपर ये बेल्ट रहता है, बाकी जो है जो असेंबली के पार्ट्स हैं वो बोल्ट के द्वारा जो है वो उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं। इसके बाद एक टाइप का नट आता है राउंड नट, जो कि आकार में जो शेप में जो है वो गोलाकार का होगा। तो इसमें तीन चार टाइप के होते हैं, स्लॉटेड राउंड नट जो कि फेस के ऊपर कटा होता है, इसको खोलने के लिए ये टाइप का पर्टिकुलर इसके लिए स्पेशल स्पैनर ही इस्तेमाल होगा यहाँ पर, कि कोई भी स्पैनर जो है यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ तो पर्टिकुलर इसी के लिए जो है इसी का स्पैनर ही इस्तेमाल होगा। तो इसमें इस टाइप का नॉच कटा होगा तो यहाँ पे इसके यूज होगा। अगर ऊपर कटा हुआ है स्लॉटेड नट फॉर हुक रिंच, हुक रिंच के लिए जो है यहाँ पर हुक रिंच लगा के इसको खोल सकते हैं, और या दूसरा अगर होल बना हुआ है तो पिन रिंच लगा के खोल सकते हैं, और तीसरा जो है फेस पे जो है होल है तो यहाँ पर जो है यहाँ इस रिंच को लगा करके इसको खोल सकते हैं। ये ज़्यादातर वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर मशीन के साथ स्पिंडल के साथ घूमने लगे, जैसे ग्राइंडिंग व्हील वगैरह जहाँ पर लगा होता है, जहाँ पर कि जो घूमने की अपोजिट डायरेक्शन में ये टाइट हो जाते हैं। जब वो घूमता है, जब इसको इस ये जो राउंड नट है इनको टाइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इनको जब स्पिंडल के या असेंबली के ज़्यादातर स्पिंडल के ऊपर लगते हैं, घूमने वाले स्पिंडल के ऊपर, तो जब स्पिंडल घूमता है पूरी स्पीड में तो ये नट जो है ऑटोमेटिक जो है वो उसके साथ घूमने के साथ साथ टाइट होते हैं। जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील के स्पिंडल में जहाँ पर जब ग्राइंडिंग व्हील माउंट करते हैं तो वहाँ पर, तो ये क्या करता है कि जो उसके साथ केवल इस पर टाइट करने की आवश्यकता नहीं होती, जब खोलना होता है तब इसके जो है ये इसके जो पर्टिकुलर स्पिनर है इन्हीं स्पिनर के द्वारा ही इनको हम खोल सकते हैं। इसके बाद है जो है अब तो डिफरेंट टाइप के आपके नट्स हो गए। अब इनको जो है लॉक करने के लिए जो लॉक करने के लिए जो अब इनको नट को जो है नट और बोल्ट के असेंबली को लॉक कैसे किया जाए, नट एंड बोल्ट की असेंबली को लॉक कैसे किया जाए। तो नट और बोल्ट असेंबली को लॉक करने की जरूरत क्यों होती है? असेंबली में लूजन ड्यू टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के कारण जो है नट और बोल्ट की असेंबली जो है वो खुल सकती है। तो इनको ये आप चलती हुई अवस्था में या मशीन जब वाइब्रेट कर रही है या मशीन चल रही है तो उस समय अगर ये असेंबली खुल जाएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उनको खोलने के लिए जो वो खोलने से मतलब वो लॉक रहे, नट और बोल्ट आपस में लॉक रहे, वाइब्रेशन वगैरह के कारण खुले ना, तो वो उनके लिए जो फास्टनर या डिवाइस यूज की जाती है वही नट लॉकिंग डिवाइस कहलाती है। तो जो ज़्यादातर जो यूज की जाती है वो ये निम्न है। एक सबसे ज़्यादा लॉक नट, सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। लॉक नट में क्या होता है कि नट और बोल्ट की असेंबली में एक दो नट लगा देते हैं, एक नट थोड़ा सा साइज में मतलब थिकनेस में थोड़ा सा पतला होता है, वो टाइट करने के बाद ऊपर से एक फुल नट टाइट कर दिया जाता है। तो जब ये दो नट लग जाते हैं तो वो क्या कहलाता है जो है लॉक नट।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो असेंबली हुई, असेंबली में सबसे पहले लॉक नट लगाया, लॉक नट को जो है स्प्रिंग से टाइट कर दिया, इसके बाद उसके ऊपर दूसरा फुल नट लगाया और फुल नट को भी आपस में फुल नट को भी फुल टाइट कर दिया। अब इसके बाद इन दोनों नट के बीच में फ्रिक्शन को बढ़ाना है। फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि एक स्पिनर इस पे लगाएंगे, एक स्पिनर इस पे लगाएंगे, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। जब एक दूसरे से अपोजिट घुमाएंगे तो ये जो है एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है चिपक जो है फ्रिक्शन को जो है वो बढ़ा देंगे। तो बढ़ा देंगे तो वो क्या होगा कि फिर ये जो वाइब्रेशन के कारण जो है खुलेगा नहीं। ये जो है अब वाइब्रेशन के कारण अगर सिंगल नट होता है तो वो वाइब्रेशन खुल जाता है, लेकिन ये दोनों नट जो है जब लगा दिए तो ये वाइब्रेशन के कारण खुलेंगे नहीं। क्यों नहीं खुलेंगे? क्यों? क्योंकि ये खुलेगा तभी जब दोनों नट एक समान चाल से चले, मतलब दोनों नट जो है एक समान चाल से घूमे, तभी ये जो है असेंबली खुलेगी। और वो कभी होगा नहीं, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी वाइब्रेशन होगा तो इसका, क्योंकि नट का साइज बड़ा है तो ये अपने इसके घूमने की ढीली होने की स्पीड अलग होगी और इसकी ढीली होने की स्पीड अलग होगी क्योंकि ये पतला है। तो दोनों जो है कभी एक साथ चलेंगे नहीं, एक साथ नहीं घूमेंगे। क्यों? क्योंकि जो है दोनों के वेट पर डिफरेंस है। तो जब तक दोनों एक साथ नहीं चलेंगे तब तक ये कभी लूज जो है नहीं होगा। इसीलिए जो है एस पे एक पतला है और एक जो है एक की थिकनेस कम है और एक की थिकनेस जो है वो ज्यादा रखी गई है, क्योंकि जब भी वाइब्रेशन होगा तो दोनों कभी भी एक समान गति से लूज नहीं होंगे। एक समान गति से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोल्ट पर नहीं घूमेंगे। क्यों नहीं घूमेंगे? क्योंकि इनमें दोनों का वेट में जो है डिफरेंस है, एक छोटा है, ये हो सकता है ज्यादा तेजी से घूमे, वेट कम है, ये कम स्पीड से घूमे। तो जब तक दोनों एक साथ नहीं घूमेंगे तब तक ये असेंबली कभी अनलॉक नहीं होगी। तो जहां पर जो इस तरह का लगा होगा वो कभी भी जल्दी जो है अनलॉक नहीं होगी। फिर भी खुल जाते हैं वो, उसका कोई और तरीका भी, मतलब कोई और भी रीजन हो सकता है, लेकिन 99% जो है ये कभी भी आपस में खुलेंगे। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली, लेकिन जहां पर कि नहीं जगह होती है या जहां पर कि अब वहां इनका भी यूज जो है वो मतलब कहाँ पर डबल नट लगाना है, कहाँ पर कौन सा नट लगाना है, वो डिपेंड करता है कि आपकी असेंबली की रिक्वायरमेंट क्या है। आप कहीं पर भी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप यूज तो कर सकते हो कि चलो जो है कहीं मतलब काम चल जाएगा, लेकिन जहां पर जो रिक्वायरमेंट होगी वहां उसी के हिसाब से जो है इसको यूज करेंगे। दूसरा है सेल्फ लॉकिंग नेट, जो लॉक करने की जो डिवाइस है, जो नेट और बोल्ट को आपस में लॉक करने की डिवाइस है, उसमें है सेल्फ लॉकिंग नेट, जिसका कि साइमन नेट कहलाता है। इसमें जैसे पहले ही बताया था, ये नट है, इसमें जो अंदर एक ग्रूव कटा हुआ होता है, ग्रूव में नायलॉन या फाइबर का एक इंसर्ट लगा होता है। उसका जो इंसर्ट लगा हुआ है नायलॉन या फाइबर का, उसका जो डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर, वो बोल्ट के कोर डायमीटर से कम होता है। तो जब हम नट को बोल्ट के ऊपर टाइट करते हैं तो ये जो रिंग है ये बोल्ट की थ्रेड को पकड़ के रखता है, मतलब टाइट रहता है। तो टाइट रहता है क्योंकि कम है, तो इसके ऊपर जब हम बोल्ट के ऊपर चलाएंगे तो बोल्ट इसमें अपना जो है थ्रेड, जो नायलॉन के पोर्शन में, इसमें तो नट में तो पूरा थ्रेड बनी हुई है, बट नायलॉन में जो है बोल्ट थ्रेड जो है बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि ये नायलॉन है, सॉफ्ट है, और इसका जो नायलॉन का जो रिंग है उसका डायमीटर जो है इसके कोर डायमीटर से कम है। तो जो इसका थ्रेड का जो पैटर्न है या थ्रेड की गहराई है, उतना थ्रेड जो है ये नायलॉन पर बना देगा। क्योंकि नायलॉन में फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो वाइब्रेशन के कारण जो है वो जो नायलॉन है वो बोल्ट के साथ जो है फ्रिक्शन को बढ़ा के रखेगा और ज्यादा जो है वो वाइब्रेशन में उसको घूमने नहीं देगा, बोल्ट को घूमने नहीं देगा। तो ज्यादातर ऑटोमोबाइल में इसी टाइप के नट जो है इस्तेमाल होता है। तो ऑटोमोबाइल का मतलब स्कूटर, मोटरसाइकिल या जो भी असेंबली है जो कि जिनमें की वाइब्रेशन जो है बहुत ज्यादा होता है उनमें, क्योंकि तो गाड़ियां हैं, गाड़ियां चलती रहती हैं तो मैं कभी ऊंचे मतलब चलने का भी वाइब्रेशन है, सड़क में भी ऊपर नीचे होती है, दूसरा इंजन का भी वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन तो वो इस तरह का जो है नट वो कहलाता है सेल्फ लॉकिंग नट या साइमन नट। अब
सवाल यह है कि जैसे ये है तो यहाँ पर जो है डबल नट को नहीं लगा दिया गया, या यहाँ पर इसको क्यों नहीं लगा दिया गया? यहाँ पर असेंबली में इसको लगाना जो है आसान रहता है, यहाँ पर जहाँ पर दो नट टाइट करना है वहां पर असेंबली में थोड़ा सा टाइम टेकन या समय जो है वो ज्यादा लगेगा, इसको लगाना जो है जरा आसान होता। तो जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर जो है इसी को इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ एक जहाँ पर नायलॉन लगा हुआ है इसका एक ड्रॉबैक ये है कि जहाँ पर हीट ज्यादा जनरेट हो रही है, जहाँ पर गर्मी ज्यादा हो रही होगी वहां पर आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर हीट जनरेट होगी, अगर मशीन का कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पर कि गर्मी हो रही है या चलने से कुछ गर्म हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, नायलॉन मेल्ट कर जाएगा, तो वहां पर इसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो इसको इसका इस्तेमाल वहीं पर करना है जहाँ पर कि हीट वगैरह जनरेट ना हो रही हो, अदरवाइज क्या होगा, नायलॉन वहां पर जो है वो मेल्ट कर जाएगा। तो वैसी जगहों के लिए फिर ये यही जो है डबल लॉक नट ही ठीक है। इसके अलावा एक और है वायर लॉक इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर भी कई सारे एक मशीन के सरफेस के ऊपर कई सारे जो है कई सारे जो है वायर जो है वो कई सारे बोल्ट लगे हों, और जो कि वाइब्रेशन के कारण जो है, जैसे मान लो कोई मशीन का कोई फेस है जैसे ये लगा हुआ है जिसमें कई सारे बोल्ट या लगे हुए हैं जो कि वाइब्रेशन के कारण वो लूज हो सकते हैं या इनके साथ जो असेंबल पार्ट हो ढीला हो सकता है। तो उस केस में क्या हुआ, दोनों को आपस में इस तरह से तार से बांध दिया, तो वो क्या होगा कि ये जो है आपस में कभी जो है वाइब्रेशन के वाइब्रेट मतलब वाइब्रेट होने के कारण ये घूमेंगे नहीं। दूसरा है लॉकिंग नट्स में जनरली हम क्या करते हैं, जब हम लॉकिंग डिवाइस की बात करते हैं नट और बोल्ट के केस में, तो जो लॉकिंग डिवाइस होती है वो नट में ही होती है, बोल्ट में नहीं होती है। बोल्ट में भी हो सकती है, नट में हो सकती है, जैसे यहाँ पर बोल्ट को बांध दिया गया है, बट जो ज्यादातर जो है वो नट ही लॉक करते हैं, मतलब दोनों में से एक लॉक कर देंगे तब जो है वो घूमना जो है उसका बंद हो जाएगा। तो एक लॉकिंग नट है वो कहलाता है स्वैन नट। स्वैन नट में क्या है कि यहाँ पर एक जो है हेक्सागोन नट है, इसमें यहाँ पर एक स्लॉट कटा हुआ है, स्लॉट में स्क्रू लगा हुआ है। तो जब इसको बोल्ट के ऊपर चढ़ाने के बाद, नट को बोल्ट के ऊपर चढ़ाने के बाद स्क्रू को टाइट कर दिया जाता है। जब स्क्रू टाइट करेंगे, जब ये छोटा वाला स्क्रू को टाइट करेंगे, तो इनके बीच के गैप जो है वो कम होगा। गैप कम होने से क्या होगा कि जो इसकी थ्रेड है वो थोड़ा सा डिफॉर्म होगी, टाइट होगी। तो उस कंडीशन में जहाँ पे थ्रेड है जो है थोड़ा सा डिफॉर्म हो गई, तो वो नट जो है वो कभी भी घूमेगा नहीं, ये कभी भी बोल्ट के ऊपर जो है टाइट होकर के घूमेगा। जब हमको इसको खोलना होता है तो इसको क्या करते हैं, इस स्क्रू को खोल देते हैं, तो ये अपने पुराने पोजीशन में गैप आ जाता है, फिर नट जो है वो फ्री हो जाता है, तो उसको हम जो है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। और बाकी जब इसको जब हम टाइट करेंगे तो ये गैप जो है बीच का कम होगा, गैप जब बीच का कम होगा तो जो इस यहाँ पर जो बनी हुई थ्रेड होगी वो थ्रेड थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी, वो थ्रेड डिस्टर्ब होगी, तो थ्रेड डिस्टर्ब होने से क्या है कि वो बोल्ट के थ्रेड को अच्छी तरह से पकड़ लेगी और नट को जो है घूमने नहीं देगी। इसके अलावा इसके अलावा जो अपना जो अगला नट है कैसल नट और स्लॉटेड नट, तो कैसल नट और स्लॉटेड नट को लॉक करने के लिए एक पिन यूज होती है जो कि कहलाती है स्प्लिट, जो कि कहलाती है स्प्लिट पिन। ये इस टाइप की पिन होगी, इस तरह की पिन होती है इसकी जो है, इसमें नॉमिनल डाइ इसको इसको दो तरह से स्पेसिफाई किया जाता है, मतलब इसको इसका स्पेसिफिकेशन दो होता है, एक नॉमिनल लेंथ और दूसरा नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल लेंथ कहाँ है, आई हुक से लेकर के जो शॉर्ट वाला है उसकी लंबाई, और नॉमिनल डायमीटर और जो इसका जो है डायमीटर। इसमें जो ये स्प्लिट है ये आधा अर्धगोलाकार होती है, ऊपर का हिस्सा अर्ध गोलाकार, नीचे का हिस्सा अर्ध गोलाकार, ये दोनों मिलकर के इसको एक पूर्ण गोलाकार हिस्सा बनाते हैं। इसमें एक छोटी एक बड़ी इसलिए रखी जाती है क्योंकि जब इसको असेंबली करते हैं, असेंबली करने के बाद इनको जो है आपस में दोनों लेग को फैलाना होता है, तो
फैलाने में आसानी रहे, इसलिए जो है इसको एक छोटा होता है और एक जो है बड़ा होता है। तो इस पे आप किसी भी हल्के से पेचकस से या किसी चीज से भी चोट चोट मार देंगे तो ये नीचे की तरफ या इस साइड को मुड़ जाएगा और ये फैल जाएगा, फिर इसको आप आसानी से इसको फैला सकते हैं। इसीलिए एक छोटा और एक बड़ा बना के रखा जाता है, जिसको कि जिससे कि असेंबली के दौरान इसको एक दूसरे के जो है फैलाना जो है वो आसान रहे। तो जो कैसल नट और स्लॉटेड नट को स्पिक पिन के द्वारा ही जो उनको स्पिक पिन के द्वारा भी नट और बोल्ट को आपस में लॉक करते हैं। ये है, जैसे आप इनको देख लो, स्लॉटेड नट नट के में जो है जो टाइट करने के बाद इसमें जो ये स्प्लिट पिन डाल करके फैला दिया तो ये कभी भी खुलेगा नहीं। कैसल नट को भी टाइट करने के बाद ये इसको जो है फैला दिया। हेक्सागोनल नट को भी टाइट कर सकते हैं, ये हेक्सागोनल नट डाल करके बोल्ट में या स्टड में जो भी है उसमें होल होगा उसका पिन डाल करके उसको फैला देते हैं। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि जो टू व्हीलर होते हैं हमारे, टू व्हीलर का जो फ्रंट या रियर पहिया लगा होता है वहां पर इसको कैसल नट या स्लॉटेड नट ही लगा होता है, उसमें स्प्लिट पिन डाल करके उसको टाइट कर देते हैं। इस तरह का एग्जांपल आप देखे होंगे जो पंखा होता है, सीलिंग फैन होते हैं जो हुक से जो टाइट रहते हैं जो कि सीलिंग में जाके लगता है वहां पर इसको, क्योंकि पंखा जो है वो छत पे टंगा हुआ है वो चलते समय जो है सीलिंग से खिल के गिरना नहीं चाहिए, इसीलिए जो है कितना भी आप टाइट करो, कितना भी आप लॉकिंग नट लगा दो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कोई चांस हो कि दोनों वो नट खुल जाए। तो खुल जाने पर क्या है, उस कंडीशन में किसी के ऊपर गिरेगा, एक्सीडेंट होने की चांस रहेगी, इसलिए इसमें डबल प्रिकॉशन यूज किया था। लॉक नट भी लगे रहते हैं, कहीं किसी किसी पंखे में दो दो लॉक नट लगे रहते हैं और उसके बाद स्प्लिट पिन भी लगी रहती है। तो बिना स्प्लिट पिन लगाए हुए कभी भी पंखे को सीलिंग भी नहीं करना चाहिए। एक जो है लॉकिंग नट, एक टाइप का लॉकिंग नट और है ग्रूव्ड नट या पिनिंग नट। इस नट में क्या है, नीचे की तरफ जो है एक सिलेंड्रिकल ग्रूव बना, एक सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल बना होता है, सिलेंड्रिकल सरफेस बनी होती है, सिलेंड्रिकल सरफेस में एक ग्रूव बना होता है, एक रेसिस्ट ग्रूव होता है। बोल्ट को सॉरी नट को टाइट करने के बाद ऊपर से एक और बोल्ट लगा दिया जाता है जो कि इसके ग्रूव में जाके टाइट हो जाता है और इस नट को वाइब्रेशन वगैरह के कारण होने से घूमने से जो है वो उसको रोकेगा, क्योंकि तो इसको लगा दिया तो जब तक ये तभी खुलेगा जब हम इसको खोल करके बाहर निकाल लें। तो इसमें जो ऊपर से तो हेक्सागोनल है लेकिन नीचे जो है इसमें एक जैसे अपना ये था, यहाँ पे ये बना हुआ था तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल से बना हुआ था और यहाँ पर जो है ये आपका स्लॉट काट दिया था, स्लॉट काटने की वजह इसमें जो है इसमें सिलेंड्रिकल जो है ग्रूव बना दिए गए हैं, सिलेंड्रिकल ग्रूव में जो है वो जा करके ये टाइट हो जाएगा तो वो जो है बोल्ट को खुलने नहीं देगा। इस तरह का जो है वो मशीन वगैरह में, मशीन की मशीन टूल्स वगैरह में काफी जगह पे यूज होता है, जैसे मिलिंग मशीन वगैरह में लेते भी यूज होते हैं, कभी अगर असेंबली खोल के देखो आप। तो लॉकिंग प्लेट कहीं कहीं पर जहां पर कोई रेफरेंट नहीं होता है तो वहां पर क्या करते हैं कि नट या बोल्ट को लूज होने से रोकने के लिए एक लॉकिंग प्लेट लगा दी। लॉकिंग प्लेट मतलब स्पिनर के शेप की एक प्लेट है और उसको जो है लगा करके एक जगह पर स्क्रू स्क्रू से लगा करके टाइट कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है प्लेट जो है जब जब वाइब्रेशन होगा तो ये प्लेट जो है इस नट या बोल्ट को घूमने से प्रिवेंट करेगी, घूमने से रोकेगी। एक और लॉकिंग लॉकिंग के लिए जो डिवाइस या युक्ति यूज होती है वो कहलाती है लॉक प्लेट विथ लग। इस कंडीशन में क्या है, असेंबली में बोल्ट के नीचे एक वॉशर लगा हुआ है, वॉशर जहां पर जो असेंबली है असेंबली में एक ड्रिल होल कर दिया गया है और इस वॉशर का काम
का जो ये हिस्सा है इसको लग को इसमें डाल करके मोड़ दिया गया है। दूसरा जो वॉशर का एक दूसरा हिस्सा था उसको इसके साथ जो है बोल्ट के इस फेस के साथ जो नट है नट के फेस के साथ जो है चिपका दिया गया है। अब क्या होगा कि जब वाइब्रेशन होगा तो चूंकि ये बॉडी के साथ ये वॉशर जो है लग के द्वारा फिक्स है तो वॉशर जो है बिल्कुल ही घूमेगा नहीं। वॉशर जब नहीं घूमेगा तो ये बोल्ट को भी नहीं घूमने देगा क्योंकि वॉशर फिक्स हो गया और यहाँ से ये फेस जो है इस फेस में नट के इस हेक्सागोनल फेस को पकड़ रखा है तो ये नट को भी नहीं घूमने देगा। तो इस कंडीशन में वाइब्रेशन जब होगी तब जो है वो कभी भी नट जो है वो घूमेगा नहीं। जब हमें खोलना होगा इस असेंबली को तो इसको सीधा करना पड़ेगा। इसको सीधा करके फिर जो है आप इसको वॉशर को फ्लैट कर दिया फिर बोल्ट को खोल दिया। बोल्ट को खोलने के बाद इसको निकाल दिया और फिर जब असेंबली करनी हुई तो फिर से डाल के इसको लगा करके उसको फिर से लॉक कर दिया गया। तो लॉकिंग डिवाइस का मतलब यही होता है कि जहाँ पर वो इस तरह की डिवाइस है कि जहाँ पर आपको परमानेंट असेंबली नहीं करनी है। अब परमानेंट असेंबली कर देनी है तो उस कंडीशन में आप बेल्ट कर सकते हो रिवेट कर सकते हो कोई भी और भी दूसरे तरीके जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन लॉकिंग का मतलब यह है कि जहाँ पर आपकी असेंबली को आपको असेंबली को बार बार खोलना या बंद करना पड़ता है। दूसरा इसी में है टैब वॉशर कहलाता है। ये भी सेम वैसा है उसमें ड्रिल नहीं है बस केवल जो वॉशर का है उसमें से लंबा एक टैब है उसको अगर कहीं किनारे है तो उसको जो है ये मोड़ दिया गया है। मोड़ दिया गया है तो वॉशर जो है वो अपनी जगह पर घूमेगा नहीं और एक फेस से उठा करके इसको यहाँ पर लगा दिया गया है। इस तरह के असेंबली अगर आप देखो तो जो साइकिल के पैडल होता है साइकिल के पैडल पैडल में जहाँ पर वो रबड़ के वो बुटके लगे होते हैं जिसमें हम पैर रख के चलाते हैं वहां पर जो है इसका इस्तेमाल जो है देख सकते हो वहां पे इस्तेमाल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों में जो डिफरेंस बेसिकली हुआ इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ कि अगर कहीं बीच में है जहां पर कि किनारा नहीं जहां पर इसको मोड़ने के लिए जगह नहीं मिल सकती है तो वहां पर ये इसको इस्तेमाल कर दिया और जहां पर कि बोल्ट कहीं पर किनारे पर एज पर लगा हुआ जहां पर इसको हम मोड़ सकते हैं वहां पर लग इस्तेमाल कर दिया और जहां पर जैसे कहीं ऐसी जगह है कि जहां पर कि किनारा नहीं बीच का हिस्सा वहां पर ड्रिल वाला इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद इसी में एक टाइप और है स्प्रिंग वॉशर। जो टैब वॉशर कैन बी यूज फॉर लॉकिंग नट विच आर लोकेटेड नियर द एज और कॉर्नर। टैब वॉशर वही इस्तेमाल होगा जो जो है एज या कॉर्नर पे वहीं पर टैब इस्तेमाल कर सकते हैं अदरवाइज फिर हमको ये वाली असेंबली ये वाला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्प्रिंग वॉशर क्या है? वॉशर है स्प्रिंग के शेप का इसमें सिंगल कॉयल या डबल कॉयल दोनों हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना जो है रेसिस्टेंस चाहिए कितना जो है इसको बोल्ट में कितना रेसिस्टेंस चाहिए मतलब टाइट कितना करना सीधा मतलब है कि कितना टॉर्क चाहिए। ज़्यादा टॉर्क है तो डबल जो है स्प्रिंग नहीं तो सिंगल स्प्रिंग। तो ये स्टिफनेस के कारण क्या है कि नट और बेल्ट नट और बोल्ट के बीच में जो है टेंशन को नट और सरफेस के बीच में जो है टेंशन को बढ़ा करके रखता है जिससे कि वो मतलब नट जो है वो लूज नहीं होगा क्योंकि अभी आप देखो तो ये जो है बीच में ये गैप है जब आप इसको टाइट करोगे तो क्या करेगा ये जो है स्प्रिंग की तरह काम करेगा। तो स्प्रिंग की तरह काम करेगा मतलब इसकी फैलने की टेंडेंसी होगी हमेशा जो है इसको फैलने की टेंडेंसी होगी तो फैलने की टेंडेंसी कहाँ ये बोल्ट के ऊपर जो है टेंशन लगा के रखेगा मतलब तनाव रखेगा थोड़ा तो फ्रिक्शन जो है ज़्यादा रहेगा तो वाइब्रेशन के कारण जो है ये बोल्ट जो सॉरी नट जो है वो खुलेगा नहीं।
इसके बाद है नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ वॉशर। वॉशर जो है कितने टाइप के जो है वो वॉशर की जरूरत क्यों होती है? ये हमारी असेंबली है, असेंबली में जो है ये असेंबली है नट और बोल्ट के द्वारा जो है बीच में एक जो है वॉशर डाल दिया गया है। तो वॉशर की जरूरत क्यों पड़ती है? वॉशर इंक्रीज द फ्रिक्शनल ग्रिप, इन दोनों के बीच में ग्रिप को बढ़ा के रखता है और जो प्रिवेंट लूजिंग वाइब्रेशन के कारण नट को लूज होने से रोकता है। वर्क पीस को डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि अगर बोल्ट को आप टाइट करोगे तो बोल्ट इस वर्क पीस के ऊपर रगड़ करेगा तो इसकी सरफेस को खराब करेगा। डिस्ट्रीब्यूट फोर्स ओवर द लार्ज एरिया। जो वॉशर है वो वॉशर का साइज जो है बोल्ट से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये जो जब टाइट करने में जब हम इसको टाइट करेंगे नट को तो उस फोर्स को जो है ये ज्यादा बड़े एरिया में फैला देगा। वॉशर कितने टाइप के होते हैं? वॉशर जो है प्लेन का फ्लैट टाइप, पेपर वॉशर, स्प्रिंग वॉशर, टैब वॉशर, टूथेड वॉशर। प्लेन वॉशर जो सिंपल टाइप का वॉशर है, इसका जो एक जो है ये सिंपल टाइप का लोहे की डिस्क टाइप का, लोहे की चकती टाइप का, ये दो टाइप के वॉशर होते हैं। ये एक मशीन वॉशर कहलाता है, एक पंच ड्रा वॉशर कहलाता है। मशीन वाइज जिसकी की दोनों सरफेस जो है अच्छी तरीके से मशीन की हुई होती है, जनरली जो है इनको हम मशीन के असेंबली वगैरह में यूज करते हैं। इसमें एक साइड चैम्फर होता है या हो सकता है दोनों साइड में भी चैम्फर हो। दूसरा जो पंच ड्रा वॉशर है जो स्टील की पंचिंग के द्वारा बनाया जाता है, जो कि ज्यादातर स्ट्रक्चर या फेब्रिकेशन वर्क में जहाँ पर जैसे गार्डर वाडर जोड़ा जा रहा है तो वहां पर जो 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 कॉमन टाइप के स्ट्रक्चरल वर्क होंगे वहां पर पंच वॉशर यूज करेंगे, और जहां पर मशीन की असेंबली वगैरह है, जैसे मशीन के पार्ट है वहां पर वॉशर लगाना है तो वहां पर मशीन वॉशर मतलब दोनों उसकी थिकनेस हर जगह एक समान होंगे। पंच वॉशर सीट से बने होंगे तो थिकनेस में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। इसके बाद है टेपर वॉशर। टेपर वॉशर का मतलब जो है इसका शेप जो है वो टेपर आकार का होगा। इसमें वो वॉशर है बट इसका जो सामने से देखोगे तो आप चौकोर दिखाई देगा, बट इसका जो है क्रॉस सेक्शन जो है ये इस टाइप का होगा 90 डिग्री। इसका यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पर जैसे कि ये एंगल बीम जहाँ पर कि ऐसी सरफेस आ जाती है वहाँ पर असेंबली को असेंबली करने के लिए, नट को टाइट करने के लिए सरफेस हमको फ्लैट चाहिए, उस कंडीशन में यहाँ पर इस तरह के टेपर वॉशर लगा देंगे तो हमको टाइट करने के लिए फ्लैट एरिया जो है वो मिल जाएगा। तो आई सेक्शन जैसे चैनल सेक्शन वगैरह है तो इन सब में जो है इसको यूज करेंगे। सरफेस लाइक इन साइड ऑफ आई बीम चैनल दीज और इसका जो है सरफेस जो है वो फ्लैट नहीं होता है, तो वो जो है फ्लैट सरफेस को बनाने के लिए जो है टेपर वॉशर इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग वॉशर ये जैसे अभी पहले भी बताया था कि ये जो है स्प्रिंग वॉशर नट को लूज होने से बचाने के लिए, ढीला होने के लिए। जब अभी जो इसकी सिचुएशन ये है, ये दोनों के बीच में गैप है, जब इसको इसके बीच में रख करके टाइट कर दिया गया तो टाइट करने के बाद क्या होता है कि ये जो है ये खुलने की टेंडेंसी, वॉशर की टेंडेंसी क्या होगी? खुलने की होगी। तो खुलने के कारण ये जो है सरफेस के ऊपर भी फ्रिक्शन डालेगा और इस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन डालेगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा और बोल्ट जो है जब फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तो वाइब्रेशन के कारण जो है वो खुलेगा नहीं। इसी तरह का एक वॉशर टैब वॉशर, टैब जो इसमें एक टैब बना रहता है जो कि अभी पहले हमने बताया लॉक करने के लिए, इसमें एक साइड में टैब बना होगा तो वो कहलाता है टैब वॉशर। दूसरा जो है एक है टीथेड वॉशर, इसमें टीथ बने रहते हैं, दांते बने रहते हैं। ये दो टाइप का हो सकता है, ये जो है अपना दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। अंदर की साइड में जो जो वॉशर के अंदर साइड में भी टीथ बने हो सकते हैं या बाहर की साइड में भी टीथ बने होते हैं। इनमें टीथ जो है ये काट करके एक साइड इसको जो है ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो
टीथ जो है इसमें इस टाइप के बने रहते हैं। जब इस तरह के वॉशर को यहाँ पर रख करके टाइट किया जाएगा तो ये टीथ जो है, ये शार्प होती है, वो सरफेस के साथ डिक करेगी और नट, ये बोल्ट और बॉडी के बीच में फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, जिसके कारण कि वाइब्रेशन के दौरान ये बोल्ट, ये नट और बोल्ट जो है आपस में लूज नहीं होंगे। दिस वॉशर एक्सट्रैक्ट द फ्रिक्शन द बोथ एंड कंटिन्यू दोनों, जब क्योंकि इसमें ये टीथ बने हुए, दांते बने हुए, तो दांते क्या होते हैं कि बॉडी में भी इंसर्ट हो जाते हैं और नट में भी इंसर्ट हो जाते हैं, तो वो जो है क्योंकि खुरदरा सा बना देते हैं, तो ये जो वाइब्रेशन के कारण जो है ये घूमने, इसको जो है घूमने नहीं देगा। वॉशर का जो स्पेसिफिकेशन है वो कैसे किया जाता है इसके हिसाब से। द मशीन वॉशर साइज 10 mm मेड ऑफ ब्रास स्टील यूज्ड एज द स्टील। इसका जो जो वॉशर का, वॉशर को जो स्पेसिफाई किया जाता है उसके IS नंबर, नेम, टाइप, साइज और नंबर ऑफ स्टैंडर्ड। तो एक मशीन वॉशर है जिसका साइज ये है, ग्रेड ये है, उसको कैसे बताया जाएगा। तो डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइप, मशीन वॉशर, वॉशर कैसा है, मशीन है, मतलब कि पंच नहीं है, मशीन वॉशर है। साइज क्या है इसका, ये डायमीटर हो गया 10.5 mm, और किसका बना हुआ है, ब्रास का बना हुआ है, और उसका जो IS नंबर ये है, तो उसको इस तरह से कह जाएगा मशीन वॉशर IS नंबर इतना मेड ऑफ ब्रास। इसके अलावा अभी हमने देखा था कि नट और बोल्ट को जो है, नट और बोल्ट को आपस में रिलेटिव मोशन से रोकने, मतलब आपस में मोशन से रोकने के लिए जो डिवाइस यूज किया थी वो नट की नकिंग डिवाइस कहती है। इसी तरह से जो अगर आपने देखा होगा कि पावर ट्रांसमिशन में जो हब है वो शाफ्ट के ऊपर फिक्स होना चाहिए। अदरवाइज अगर शाफ्ट के ऊपर हब अगर फिक्स नहीं है तो क्या करेगा, शाफ्ट अलग घूमेगी और हब अलग घूमेगा, तो जो शाफ्ट की पावर है वो हब में ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए जरूरी है कि हब और हब जो हब है वो शाफ्ट के ऊपर रिजिडिटली फिक्स हो, मतलब दृढ़ता के साथ फिक्स हो। तो उसको फिक्स करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो कहलाती है की। उसको हम जनरली की के नाम से जानते हैं। अलग अलग टाइप की होती है जो जो कि शाफ्ट को, जो कि हब को शाफ्ट के ऊपर फिक्स करने के लिए यूज की जाती है। तो इसमें जो सबसे कॉमन टाइप की जो एक है वो हेलो सैडल की है। हेलो सैडल की, सैडल की में क्या होता है कि ये जो की है, ये इसमें जो नीचे का हिस्सा, जो जो हिस्सा शाफ्ट के जाए, शाफ्ट के ऊपर जाएगा, उसको शाफ्ट के आकार का बना दिया जाता है और ऊपर का हिस्सा जो है वो स्ट्रेट रहता है, जो है ये टेपर भी हो सकती है। तो इस ये जो है जब हब और शाफ्ट के साथ लगा करके हम इसको की को इसमें यहाँ पर ठोक दिया, जो है प्रेस करके फिट कर दिया, हैमर से फिट कर दिया, तो क्या करेगा कि ये जो की है ये अपने फ्रिक्शन के कारण इस जो है इस सरफेस को, जो शाफ्ट का, शाफ्ट की जो सरफेस है उसको पकड़ के रखेगी। तो हब इसमें जुड़ा रहता है केवल जो है फ्रिक्शन के कारण, लेकिन ये केवल जो है हल्के लाइट ड्यूटी वर्क, ट्रांसमिशन वर्क के जरूरी है। जब ज़्यादा लोड पड़ेगा, अगर लोड ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, ये हब इसके ऊपर स्लिप कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं फिक्स नहीं है, केवल फ्रिक्शन के कारण ही, टेपर के कारण आपने इसको ठोक करके फिक्स किया है, तो वो जो है हल्के काम के लिए, हाथ वगैरह चलाना वहां के लिए ठीक है। तो इस तरह की एक की कहलाती है हेलो सैडल की। इसके बाद दूसरी एक की है फ्लैट सैडल की। फ्लैट सैडल की जो है सेम उसी टाइप की है जैसे हेलो सैडल की थी, फ्लैट सैडल की भी है वो उसी टाइप की है। इसमें केवल अंतर ये है कि वहां पर नीचे का हिस्सा शाफ्ट के आकार का बना दिया गया था, लेकिन यहाँ पर की को हम फ्लैट ही रखेंगे,
केवल शाफ्ट का जो जहाँ पर की लगनी है उस हिस्से को फ्लैट कर देंगे। यहाँ पर हमने जो है शाफ्ट जिसके ऊपर की लगनी है उस केवल उतने हिस्से को फ्लैट कर दिया है, तो उस कंडीशन में क्या है यहाँ पर ये लगा कर हम की को ठोक देंगे, तो ये थोड़ा सा इस हेलो सेटल की कंपैरिजन में ज्यादा पावर को ट्रांसमिट। अरे सर 5 मिनट रह गया है। हाँ सर आकर इसके बाद सर्कुलर की है, और तो सर्कुलर की में क्या करते हैं कि यहाँ पर एक गोल गोल होल बना होगा जो कि आधा हब में होगा और आधा शॉफ्ट में होगा, और इसमें हम की को प्रेस कर देंगे, प्रेस कर देंगे तो वो क्या करेगा कि ये हब के साथ शॉफ्ट को जो है वो अपना फिट करके रखेगा। सैंग की जो है जो इसका पैरेलल क्रॉस सेक्शन है इसको जो की वे कटा होता है सॉफ्ट में और हब में, और इसमें हम की को जो इसमें लगाने के बाद सॉफ्ट को लगाने के बाद इसको हम इसमें डाल करके इसको फिट कर सकते हैं। ये टेपर भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकते हैं, हो सकती है। इसके बाद जी भेट की है, जी भेट की में क्या करते हैं जी भेट की है इसमें दोनों हब में और हब में और सॉफ्ट में दोनों में जो है आधा आधा ग्रुप कटा होगा। इसको सब सॉफ्ट के ऊपर हब को लगाने के बाद इसको की को प्रेस कर दिया है, क्योंकि तो इसमें जिप बना हुआ है तो जब निकालना होता है तो इस जिप में हम प्रेशर या जिप में टूल लगा करके प्रेस करके इसको हम बाहर खोल निकाल सकते हैं। इसमें असेंबली को जी भेट की का यह फायदा है कि इसमें असेंबली को खोलना थोड़ा सा हमको आसान होता है, जबकि और की में जो है वो थोड़ा सा खोलना जो है उसको मुश्किल होता है। फेदर की है, फेदर की जो सॉफ्ट के ऊपर जो है इसको वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर कि हमें हब को सॉफ्ट के ऊपर एक्सियल मूवमेंट भी हो। यहाँ पर कि जैसे इसको कि हमको गियर को इधर से उधर इसी सॉफ्ट के ऊपर इधर उधर शिफ्ट करना हो तो वहां के लिए जो की इस्तेमाल होती है वो कहलाती है फेदर की। इसमें जो है घूमने के साथ साथ ये जो इसके ऊपर जो जो है वो स्लाइड भी कर सकती है। वुडरफ की है, वुडरफ की जो है वुडरफ की हमेशा टेपर सॉफ्ट में, जहाँ पर टेपर सॉफ्ट होगी टेपर सॉफ्ट में आपको फिक्स करने के लिए जो की इस्तेमाल होती है वो वुडरफ की होती है। ये अर्धचंद्राकार आकार की होती है टेपर सॉफ्ट, जहाँ भी यहाँ पर और कोई की लगाना जो है मुश्किल होता है और कोई की यहाँ यूज नहीं हो सकती है, ये वुडरफ की लगा के इसको पर हब हम लगाते हैं तो ये इसके हिसाब से क्योंकि ये आधा चंद्रमाकार है तो ये अपने आप इसके सरफेस के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। इसके बाद जो है सरेटेड शाफ्ट जो है स्प्लाइन शाफ्ट में जो है शाफ्ट के ऊपर ही बहुत सारी स्प्लाइन बनी होती है और वैसे ही स्प्लाइन जो है हब में भी होती है तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ मैच हो जाते हैं। इसमें कोई कोई फिक्स करने की जरूरत नहीं होती है ना ही कोई पावर ट्रांसमिशन में किसी प्रकार का